बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज। अब ये जरा देखें कि 3x3 का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, मैट्रिक्स 3x3 की है और उस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 है। आपने मालूम यह करना है कि उस मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, उसका डिटरमिनेंट लिया जाएगा, तो फिर उसका आंसर क्या आता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी करते हैं, वर्किंग करते हैं यहाँ पे। तो हम एक 3x3 की मैट्रिक्स खुद से सपोज कर लेते हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये हमने एक मैट्रिक्स 3x3 की सपोज कर ली और उसके बाद इसकी इसका जो डिटरमिनेंट है वो आपके सामने है, ये डिटरमिनेंट होगा। और उसके बाद जब आप इसको 2 से मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सब आपको पता है कि जब किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसकी सारी एंट्रीज जो हैं उस नंबर से मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये 9 एंट्रीज जो हैं मैट्रिक्स की, वो सारी की सारी 2 से मल्टीप्लाई होंगी। अब जब आप इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो वो इस किस्म का बनेगा। और डिटरमिनेंट में से याद होगा आपको कि किसी एक कॉलम में से या किसी एक रो में से कोई चीज़ कॉमन ली जा सकती है। तो हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से अगर 2 कॉमन लें तो ये फॉर्म बनेगी, फर्स्ट कॉलम में से 2 बाहर निकल जाएगा डिटरमिनेंट में से। इसी तरह अगर आप सेकेंड कॉलम में से भी 2 कॉमन लेते हैं तो एक और 2 बाहर आ जाएगा, और इसी तरह अगर आप थर्ड कॉलम में से भी 2 कॉमन लेते हैं तो एक और 2 कॉमन आ जाता है, तो ये बाहर आ जाता है 8। तो अब बन क्या गया आपके पास, 8 बाहर आ गया और ये डिटरमिनेंट रह गया। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पहले से दी हुई है, वो कितनी है, वो 3 है। तो फिर 8 इंटू डिटरमिनेंट, यानी ये सारा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए है, इसकी वैल्यू 3 दी हुई है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 3 है, तो 8 × 3 = 24 आ जाता है। और इसका आंसर क्या है फिर, 24। अब इससे ये भी आप देख लें कि जितने जितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है वो मैट्रिक्स का जो कुछ मल्टीप्लाई हुआ है उसकी उतनी पावर बाहर कॉमन आ जाएगी। मसलन ये डिटरमिनेंट 3x3 का था तो 2³ बाहर आती है जो कि 8 बनती है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 3 ए। अब जिस तरह पीछे बात हमने की, ये 3x3 है तो 3³ बाहर आ जाएगी, वो बन जाएगा 3³ बाहर। इस 3 की वजह से 3 आएगा, 3 की पावर आएगी, ये 3 पावर बनेगी और ये 3 जो है इसकी पावर ये वाला 3 बनेगा। तो आपके पास आ जाएगा 27, 27 को -2 से मल्टीप्लाई कराएं तो फिर वो -54। अब देखते हैं ये इसका जो है वर्किंग, आप यहाँ पे चेक कर लें, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ 3a, जैसे अभी मैंने बताया डिटरमिनेंट ऑफ 3a आ जाएगा, 3³ डिटरमिनेंट ऑफ ए, और 3³ बनती है 27, और 20 डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो -2 के बराबर है, लिहाजा इसको -2 से मल्टीप्लाई कराएं और फिर आपके पास -54। तो -54 ऑप्शन फिर आपके पास डी इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन है। इफ ए इज एन n×n मैट्रिक्स एंड लैम्डा इज अ स्केलर, देन डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा ए। तो ये तो अब बहुत क्लियर हो जानी चाहिए बात कि चूंकि n×n है तो इसके डिटरमिनेंट में से लैम्डा की पावर n बाहर आ जाएगी। इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इज अ 2×2 मैट्रिक्स, देन डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा ए, ये 2×2 है तो फिर लैम्डा की पावर 2 बाहर आ जाएगी। डिटरमिनेंट ऑफ ए भी आपको याद होगा, ये प्रूफ भी है इसका कि आता है इनकी प्रोडक्ट के बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। इफ ए इज इक्वल टू 1, 3, 3, ये आपको याद है क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है या कॉलम वैक्टर, देन ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज। अब देखें ए का ऑर्डर जो है वो 3x1 है, इसकी 3 रोज हैं 1, 2, 3 और कॉलम 1 है, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, 1×3 हो जाएगा। फॉर विच वैल्यू ऑफ के डज द फॉलोइंग मैट्रिक्स फेल
टू बी इन्वर्टिबल। फेल टू बी इन्वर्टिबल से क्या मुराद है, कि उसकी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करती। और उसकी इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करती, जब उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो। तो ये इसकी वर्किंग थोड़ी सी देखते हैं। इफ द मैट्रिक्स फेल्स टू बी इन्वर्टिबल देन इसका डिटर्मिनेंट जो है ज़ीरो होना चाहिए, इन्वर्टिबल नहीं होती है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करती है, तो देन इट्स डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। और इस डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन करते हैं बाई फर्स्ट रो, वन इंटू जो आप लिखते हैं ये वाला वन लिखा, और वन इंटू टू टू, सिक्स इंटू थ्री माइनस 18, फिर माइनस टू लिखा, थ्री इंटू सिक्स माइनस सिक्स इंटू के, फिर प्लस फोर लिखा तो थ्री इंटू थ्री माइनस के। तो ये जब वर्किंग कैलकुलेशन हम करते हैं तो माइनस 16 माइनस 12 प्लस 12 के प्लस 36 माइनस 4 के इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से 8 के प्लस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो, और k की वैल्यू माइनस 1 आ जाती है। यही कैलकुलेशन कराने के लिए कहा गया था। तो आंसर फिर आपके पास क्या आएगा, माइनस 1।